क्लास फोर सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर थ्री टॉपिक है हमारा फ्रैक्शंस पेज नंबर 38 और 40। आज हमने सबसे पहले हिस्ट्री स्टार्ट करना है, हमने इसकी डेफिनेशंस को पहले पढ़ना है और समझना है, फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन है। लाइक फ्रैक्शंस फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/8, 3/8, 5/8 आर ऑल लाइक फ्रैक्शन। ऊपर वाले जो डिजिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे वाले डिजिट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं डिनोमिनेटर। जिनके डिनोमिनेटर नीचे वाले डिजिट सेम होंगे उस डेफिनेशन को हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट है अनलाइक फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस विद डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शंस। फॉर एग्जाम्पल 1/3, 3/4, 5/12 आर अनलाइक फ्रैक्शंस। वो वाले डिजिट्स जिनके डिनोमिनेटर वो वाली फॉर 1/3 है, फॉर एग्जाम्पल 1/3, 3/4, 5/12, इनके जो डिनोमिनेटर है नीचे वाले डिजिट्स हैं वो डिफरेंट है, इसलिए हम इसे कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। अब लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस की डेफिनेशन है, जिसके डिनोमिनेटर सेम है वो लाइक फ्रैक्शंस है और जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है वो अनलाइक फ्रैक्शंस है। इसके बाद क्लास हमने एक्सरसाइज 3A स्टार्ट की है। क्वेश्चन नंबर 1 है आइडेंटिफाई द लाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन फ्रैक्शन। ये आपको क्वेश्चन दिए गए हैं फ्रैक्शन के फॉर्म में, हमने इसे आइडेंटिफाई करनी है, इनको पहचान करनी है लाइक फ्रैक्शंस कौन कौन से हैं। जैसे हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे नीचे वाले डिजिट्स को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे उनको हम कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है 3/2, 5/2, 6/2, 2/2। इसमें हमारे जो डिनोमिनेटर है वो सेम है इसलिए हम इसको लिखेंगे लाइक फ्रैक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमारे पास आ गया लाइक फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन नहीं है, इसलिए हम इसे कुछ नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट थर्ड वाला क्वेश्चन है, इसमें 61 है डिनोमिनेटर, इसमें भी 61 है, 61 है और इसमें भी 61 है, इनके डिनोमिनेटर सेम है इसे भी हम लाइक फ्रैक्शन लिखेंगे। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इसमें भी 11 है डिनोमिनेटर सबका, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है इसलिए इसे भी हम लाइक फ्रैक्शन लिखेंगे। और लास्ट वाला क्वेश्चन है 5 वाला, इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है इसलिए ये भी लाइक फ्रैक्शन नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द अनलाइक फ्रैक्शंस फ्रॉम द गिवन फ्रैक्शन। अब इस क्वेश्चन में से हमने अनलाइक फ्रैक्शंस को फाइंड करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इनके डिनोमिनेटर फर्स्ट वाला डिनोमिनेटर सेकंड वाला सेम है लेकिन थर्ड वाला डिफरेंट है इसलिए हम इसे लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। जिनके डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे उसे हम लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 9 है, 13 है, 15 है और 16 है, इन सबके डिनोमिनेटर डिफरेंट है इसलिए इसे भी हम लिखेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें सबके डिनोमिनेटर 5 है, ये सेम है इसलिए ये अनलाइक फ्रैक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी डिनोमिनेटर 13 है, 5 है, 19 है और 17 है, डिनोमिनेटर सबके डिफरेंट है, ये भी अनलाइक फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो डिनोमिनेटर है सेम है इसलिए इसे भी हम अनलाइक फ्रैक्शन नहीं लिखेंगे। लास्ट पे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने डू होमवर्क एंड प्रैक्टिस एट होम, ये आपकी डायरी है, जो भी आपको काम करवाया गया है आपने इसका होमवर्क करना है।